नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बीजेपी की। दरअसल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सूचियों को लेकर काफ़ी मंथन जो है किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पांचवी सूची जो है वो अभी जारी नहीं की गई है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 136 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के अपने उम्मीदवारों का नाम का जो ऐलान है वो कर चुकी है। बाकी बची हुई 94 सीटों पर अभी भी लगातार मंथन जारी है। और आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार शाम यानी कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी सीईसी की बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की पांचवी सूची जो है वो जारी कर सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जहां वे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। यह मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली जिसमें 94 सीटों पर काफी मंथन हुआ। कहा जा रहा है कि आज पांचवी सूची जो है वो जारी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर तंज भी कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि देर रात कांग्रेस की तरफ से दूसरी सूची जारी की गई जिसमें 88 नामों का ऐलान कर दिया गया। और इसी को लेकर जो है बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार इस सूची में बदले गए हैं। यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो दूसरी सूची जारी की गई है जिसमें 88 नामों का ऐलान जो किया गया है उसमें 3 सीटों पर नाम जो हैं वो बदले गए हैं। मौजूदा 7 विधायकों को टिकट भी नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस की सूची पर सत्ताधारी बीजेपी जो है अब तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए लिखा है कि क्या कांग्रेस के नए नाथ अब नकुलनाथ होंगे जिन्होंने CWC की सूची के नामों को पहले ही डिक्लेयर कर अपना दबदबा दिखाया, या दिग्विजय सिंह की कोई या फिर दिग्विजय सिंह जी कोई साजिश रचेंगे। इस सूची से स्पष्ट है कि कांग्रेस की लड़ाई अब सिर्फ 2 परिवारों के बीच की लड़ाई ही सिमट कर रह गई है। बाकी जनता हो या कांग्रेसी कार्यकर्ता, सब ताक पर है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने देर रात अपने 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया उसी को लेकर अब जो बीजेपी है, सत्ताधारी बीजेपी है, वो तंज कसती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि अब ये 2 परिवारों की लड़ाई सिमट कर रह गई है। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और जनता को ताक पर रख दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि दतिया में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है उसके बाद बगावत का दौर शुरू हो चुका है। न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। सूची जारी होती है और बगावत के सुर तेज हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि दतिया में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। अब जो है विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्रम भी जारी है। और इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे के पार्टी छोड़ने के बाद दतिया में भी कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा। दतिया जिले के भाणेर से में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने कांग्रेस से अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। भानु ठाकुर ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का समर्थन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि दतिया वालों, विकास पुरुष दादा का साथ कभी नहीं छोड़ना। हाल ही में कांग्रेस की नीति व नियत के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले पूर्व महामंत्री सहित विभिन्न पदों पर रहे भानु ठाकुर ने आज दतिया से बीजेपी प्रत्याशी व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को समर्थन देते हुए कहा है कि डॉक्टर मिश्रा विकास पुरुष हैं। उन्होंने आज दतिया का रुख बदल कर रख दिया है, दतिया को बदल कर रख दिया है क्योंकि दतिया में खूब विकास हुआ है। इसी की बात पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर मिश्रा जो हैं वो विकास पुरुष हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सपा नेता की।
दरअसल सपा नेता ने इस विधानसभा से बीडी को चुनाव लड़ाने से मना कर दिया है। बोले कांग्रेस ने हमारी सिटिंग सीट से उतार दिया उम्मीदवार, हम क्यों लड़े चुनाव। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और टिकट कटने से कई नाराज नेता पार्टी भी जोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बगावत के सुर तेज हो चले हैं और जिस जगह से कोई उम्मीदवार है और उसे टिकट नहीं दिया गया, जो काफ़ी भारी उम्मीदवार है उसे टिकट नहीं दिया गया, वो पार्टी छोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि इसके इतर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण यादव ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने की बात कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी थी। कहा है कि कांग्रेस हम पर हमलावर हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारी सिटिंग सीट बिजावर से कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है तो हम क्यों चुनाव लड़े। पृथ्वीपुर से दीप नारायण यादव की बेटी शिवांगी यादव का समाजवादी पार्टी से टिकट फाइनल हुआ था। उनकी मां मीरा यादव को निवाड़ी विधानसभा से टिकट मिला। दीप नारायण यादव ने कहा कि पार्टी को ऑप्शन दिया था क्योंकि पत्नी का ऑपरेशन हुआ है और बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम पर हमलावर हो रही है, हमारी सिटिंग सीट बिजावर से कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो हम चुनाव क्यों लड़े। गौरतलब है कि पृथ्वीपुर विधानसभा में वर्तमान में शिशुपाल यादव विधायक हैं। ऐसे में शिवांगी यादव के मैदान में आने से जातीय समीकरणों के चलते भाजपा के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए थे, जिसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ निवाड़ी विधानसभा में भी इसी तरह रोशनी यादव को टिकट मिलने की कयासों के बीच जातीय आधार पर मीरा यादव के समीकरण बिगड़ सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दीप नारायण यादव खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वह अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। राजनीतिक कर जानकार इसे दबाव की राजनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।